जैसे कि आप सबके मन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर IDBI एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्म आया है क्या वो फिल करें या नहीं करें, तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको एक सजेशन देने आ रहा हूँ इस रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो जॉब है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना, मीन्स परमानेंट जॉब है नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों इनिशियली वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा बैंक के अकॉर्डिंग आपके परफॉर्मेंस पर बेस्ड 2 सालों के लिए, और फिर इसको 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और याद रखना दोस्तों, इस पूरे टाइम पीरियड में भी आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो आपको 29,000 पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में 31,000 मिलेगा और थर्ड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में 34,000 मिलेगा पर मंथ। इसके अलावा आपको कोई और भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब आप देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों? इसके बाद ये है, अगर आपने 3 साल अच्छे से यहाँ पे स्पेंड कर दिए हैं, अच्छे से आपने यहाँ पे वर्क करा है, तो बैंक आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन लेगा और उसके तहत आपको अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया और आपका वर्क, आपका एक्सपीरियंस, आपका सब कुछ फीडबैक बहुत अच्छा रहता है, तो आपको एज एन असिस्टेंट मैनेजर Grade A की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाएगा डायरेक्ट। तो आप देखिए, एग्ज़ाम प्रोसेस भी बहुत आसान है, जैसे कि हम देख रहे हैं ओनली मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आ रहा है इसमें, है ना, और ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं है। तो अब आप डिसाइड कीजिए आप क्या चाहते हैं। हाँ, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ये किस टाइप का बैंक है, एज ए सरकारी नौकरी है या प्राइवेट बैंक है, तो याद रखना एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू RBI IDBI इज एन लिस्टेड एज एन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, तो एक प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रहा है। बाकी आप देखिए, डिसाइड कीजिए, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखिए, क्या आपको सही लगता है फॉर्म फिल करना। भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को फिल कीजिए, साथ में अपनी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, इसके साथ जॉब कीजिए, साथ में अगर कोशिश करते रहो कि और दूसरे जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं IBPS के, IBPS PO के, RBI के, RBI असिस्टेंट वगैरह जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं इसलिए उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आपका डिसीज़न है, बाकी मैंने तो ये आपको सजेशन दिया, डिपेंड ऑन यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।